अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ये नहीं जानते कि आप एक जीमेल अकाउंट कैसे बनाते तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। इस जीमेल अकाउंट की मदद से आप प्ले स्टोर को यूज़ कर पाएंगे, आप यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पे आप अपना एक आईडी बना के आप उसको यूज़ कर सकेंगे। इसी जीमेल अकाउंट की मदद से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी किस्म का आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करना हो तो आप वो भी सबमिट कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू कर। सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सर्च के अंदर आके आप लिखे जी साइन अप जीमेल अकाउंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही साइन अप जीमेल अकाउंट है तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। करने के बाद आपके पास यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ दूसरा नंबर पर क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास देखो क्रिएट जीमेल अकाउंट का एक यहाँ पर एक पूरा एक टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ आ रहा है, आपने सिंपल यहाँ पर जो रेड कलर के अंदर जो लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, इसको आपको फिल करना होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया, इसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ अपना अथर अली मैंने लिख लिया। यहाँ पे अब आगे जाके आपने यूज़र नेम लिखना है, मतलब आपने अपना ईमेल एड्रेस क्या रखना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं अगर athar@gmail.com रखना चाहते हैं या athar@gmail.com रखना चाहते हैं या अथर अली के साथ में कोई नंबर यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं, या अगर मैं athar.ali.gb लिखता हूँ क्योंकि मेरे ताल्लुक जीबी से, तो मैं athar.ali.gb@gmail.com इस तरह से मैं कोई से भी टाइप का बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ अथर के नाम से ही बने, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अथर और मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो इसके ऊपर नहीं बन रहा, यहाँ पर वो कह रहे सॉरी। ठीक है जी, अगर वो कह रहे कम से कम 6 हमारे पास करेक्टर्स होनी चाहिए, तो मैं आगे एड करता हूँ अथर अली को। अथर अली क्लिक के मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर भी रेड कलर में आ रहा है, वो कह रहे द यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पहले से किसी और ने बनाया हो, इसके ऊपर आप कोई और नाम से इसको ट्राई करें, athar.ali@gmail.com पे नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई से भी नाम हो सकते हैं, मोहम्मद अली हो सकता है, आपका कोई और नाम हो सकता है, अगर आप उस पर बनाने की कोशिश करें तो अक्सर आपको ये रेड कलर लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब ये होता है कि इस नाम से पहले किसी और ने बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहे किसी और पे बनाना चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप इसी अथर अली के साथ कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 5211 करके बाहर क्लिक करता हूँ, तो अभी देखो इसके ऊपर पहले से मौजूद नहीं है, इसके ऊपर आप बना सकते हैं। अब वो रेड जो हमारे पास एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गई है, अब इसके ऊपर आप बनाना चाहे आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। अगर मैं इस नंबर को हटा के कुछ और करना चाहूँ, तो मैं अगर अथर अली के साथ अगर मैं जीबी लिख लेता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ इसके ऊपर भी बन रहे, तो मैं इसी पे ही रखूँगा athar.ali.gb@gmail.com, मैं इसी के ऊपर बनाना चाहता हूँ। अगला हमारे पास आ रहा है पासवर्ड का। पासवर्ड भी ऐसे आप रखें, इसके अंदर आपको ज़ाहिर सी बात नंबर्स भी लिखने हैं और आपने अल्फ़ाबेट्स भी इसके अंदर यूज़ करने हैं, और इसको ऐसे यूज़ करें बनाएं ऐसे पासवर्ड रखें, जैसे कि अगर आप अपने नाम के साथ आपको मोबाइल का जो आखिरी 3 डिजिट या 4 डिजिट को आप इसको साथ यूज़ कर सकते हैं, इससे आप ऐसा होगा कि आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते। अभी मैं यहाँ पर अपने एक पासवर्ड इसके अंदर लगा लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे शो पासवर्ड लिखा होगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप चेक लेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको शो करके आप देखना चाहते हो देख सकते हैं कि आपने कि यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म के अंदर आप दोनों सेम लिखा ही नहीं लिखा। आप यहाँ से चेक करना, यहाँ पर चेक करें, करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपके पास दूसरा विंडो खुलेगा। अच्छा, ये खुलने के बाद आपसे यहाँ पे कह रहे थे वेरीफाई यूर फोन नंबर, ये कह रहे कि आप अपना नंबर से इसको वेरीफाई करें। तो आपके पास जो भी नंबर होगा, किसी भी कंपनी का जो नंबर आपके पास है, आप यहाँ पे उसका नंबर को जैसे आप यहाँ पे इनपुट करके नेक्स्ट करें तो आपके पास 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे तो फिर आपका ये वेरीफाई होगा, आपका जीमेल अकाउंट प्रॉपर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर, इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट वो मेरा जो नंबर है उसके ऊपर सेंड हो चुका है। अब हम वो नंबर को देखते हैं और यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास 6 डिजिट नंबर का जो डिजिट है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वो नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें। वेरीफिकेशन होने के बाद यहाँ पे बस एक और विंडो खुलेगा, यहाँ पे एक आ रहा है रिकवर ईमेल एड्रेस। रिकवर ईमेल एड्रेस क्या होता है? रिकवर ईमेल एड्रेस अगर आपको भी फर्ज अगर ये ईमेल एड्रेस अगर आप भूल जाते या आप पासवर्ड भूल जाते, तो आप यहाँ से भी इस रिकवर ईमेल एड्रेस की मदद से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं, आप नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखें, लिखना चाहे आप लिख सकते। आप अपना नहीं है, आपका जाहिर बात फर्स्ट टाइम बन रहे, तो आप अपने किसी दोस्त का, अपने किसी भाई का, अबू का या किसी और का भी आप इसमें रिकवर नंबर लिखना चाहे लिख सकते। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है।
इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर लिखना है, यहाँ पे आपने जो भी है आप मेल है फीमेल आप यहाँ पे लिख लें। अगला आगे आपने फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल, फिर आपने यस आई एम करना है। इसके बाद आपके पास एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे खुल के प्राइवेसी एंड टर्म्स, इसको आप पढ़ लें एक दफ़ा अगर पढ़ना चाहे तो। फिर पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने करना है इसकी जो गूगल का जो टर्म एंड कंडीशन, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहेंगे एग्री, आई एग्री करेंगे, आई एग्री करने के बाद ये आगे जाके आपका प्रोसेस होकर आपको ईमेल अकाउंट बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे थे वेलकम अत्थर अली लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आपका एक जीमेल अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी फीचर्स है गूगल का आपका नज़र आ रहा है, जैसे गूगल ड्राइव है, कैलेंडर है, यूट्यूब हो गया, अच्छे इसी तरह से आपका प्ले स्टोर होगा, मैप हो गया, सब चीज़ें अगर जीमेल अकाउंट होगी सब चीज़ें आप इसी ईमेल से इस सबको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जीमेल के ऊपर जैसे क्लिक करें तो अब आपके पास यहाँ पर ईमेल खुल जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ प्रॉपर एक जीमेल अकाउंट बन चुका है। जीमेल अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे देखें सबसे ऊपर कंपोज लिखो, कंपोज का मतलब अगर आप किसी को मेल करना चाहते तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। बेसिक जो हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो इनबॉक्स है, जो कि दूसरों के पास से हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सेंड मैसेजेस अगर आप देखना चाहते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आगे ड्राफ्ट के अंदर अगर आपको इस चीज़ सेफ रखना चाहते आप यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनबॉक्स हो गया या सेंड मैसेजेस हो गया आपको आना चाहिए। और यहाँ पर कंपोज अगर आप किसी को मेल करना चाहते तो आप यहाँ से क्लिक करके कंपोज कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास एक बनाने की तरह। अगर इसको आपने बंद करने इस तरह से आप इसको अपने ईमेल अकाउंट को छोड़ तो नहीं सकते। अगर आप किसी के लैपटॉप में कंप्यूटर में मोबाइल में ओपन करते इसी तरह छोड़ करेंगे तो आपका इस ईमेल के अंदर कोई और बंदा एक्सेस कर सकते। तो इसको हमें हमेशा साइन आउट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर इसको बंद करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो तो कोने के ऊपर आप आके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जी साइन आउट। साइन आउट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से चला जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हो गया साइन आउट। अब आपका जीमेल अकाउंट अब मुकम्मल बंद हो चुका है। अब कोई बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। आपके पास जाहिर से इसका पासवर्ड आपको पता है तो आप इसी पासवर्ड से ही इसको ओपन कर सकते हैं।